Bluetooth mode paired. हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं ब्लूटूथ एम्पलीफायर। आप देख सकते हैं गाइज, ये ब्लूटूथ एम्पलीफायर है और गाइज ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से और सस्ते में बन जाता है। और इसके अंदर गाइज आपको वॉल्यूम, टर्बल एंड बेस को कम ज़्यादा करने की भी ऑप्शन मिल जाती है। इसके अंदर गाइज जो मैंने एम्पलीफायर बोर्ड का यूज़ किया उसकी साउंड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और गाइज वो मैंने ओल्ड DVD प्लेयर में से निकाला है और उसकी वायरिंग जो है गाइज मैंने पिछली वीडियो में बता दी है। अगर आपने गाइज वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगी। इसके अंदर गाइज जो मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल का यूज़ किया है उसके अंदर गाइज आपको ब्लूटूथ के अलावा पेन ड्राइव, हमारा मेमोरी कार्ड एंड ऑक्स केबल एंड FM मोड की भी ऑप्शन मिल जाती है। इसे गाइज बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर गाइज आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तो ही गाइज आपको समझ में आएगा। तो अगर गाइज वीडियो अच्छी लगे तो गाइज एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। गाइज एम्पलीफायर बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ PVC शीट के टुकड़े कट कर लेने हैं। देखिए गाइज दो मैंने एक साइज़ के कट किए हैं और दो एक साइज़ के। गाइज इनका हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पे गाइज मैं इसका बॉक्स ग्लूगन की हेल्प से बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाइज यहाँ पे हमारा बॉक्स बन के कम्प्लीट हो चुका है। और गाइज अब हमें इसके फ्रंट के पैनल के ऊपर एक ऑन ऑफ स्विच लगा देनी है हमारे एम्पलीफायर को ऑन ऑफ करने के लिए। और एक गाइज यहाँ पे हमें 5 mm की रेड कलर की LED लगा देनी है जो हमें इंडिकेट करेगी कि हमारा एम्पलीफायर ऑन है। एक गाइज हमें यहाँ पे 5 वोल्ट का ब्लूटूथ मॉड्यूल चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए गाइज ये हमारे जो 5 वोल्ट की वायर्स हैं दो, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है। मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, यहाँ पे मैंने पहले से कनेक्शन किए हुए हैं। यहाँ पे गाइज एक पे लिख रखा होगा 5V, मतलब गाइज हमें यहाँ पे 5 वोल्ट की प्लस सप्लाई देनी है। एक पे लिख रखा होगा गाइज GND, मतलब गाइज हमें यहाँ पे इसको जो है माइनस सप्लाई देनी है 5 वोल्ट की। एक के ऊपर लिख रखा होगा गाइज LO, मतलब लेफ्ट आउट, और एक पे लिख रखा होगा GND, मतलब हमारा ग्राउंड, और एक पे लिख रखा होगा RO, मतलब हमारे जो है राइट आउट, और एक के ऊपर लिख रखा होगा ANT, जो हमारी एंटीने की वायर होगी। ठीक है, ये लंबी वाली गाइज हमारी एंटीने की वायर है। इसको गाइज हमें यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल को फटाफट से यहाँ पे नट बोल्ट की हेल्प से कस देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको नट्स की हेल्प से कस के दिखा रहा हूँ। गाइज हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल फिक्स हो जाने के बाद हमें जो है हमारे बोर्ड के ऊपर आना है। ये 4440 एम्पलीफायर बोर्ड है। ये गाइज हमारे कैपेसिटर के साथ वायर कनेक्ट है। गाइज इसकी वायरिंग जो है मैंने पिछली वीडियो में आपको करके दिखाई थी, उसकी लिंक जो है आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये गाइज 3 वायर हमारी ऑक्स की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज मैं इसको ब्रिज रेक्टिफायर से सप्लाई दूंगा ट्रांसफार्मर की हेल्प से। यहाँ पे देखिए ये ब्रिज रेक्टिफायर गाइज ये है। यहाँ पे हमारे 4 डायोड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे इसके बीच में अलग अलग साइन है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है ट्रांसफार्मर से इसे सप्लाई देनी है। यहाँ पे गाइज मैं 12 वोल्ट 3 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर से इसे सप्लाई दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फटाफट से इसे जो है ब्रिज रेक्टिफायर के साथ कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ब्लू वायर गाइज इसकी आउटपुट है। ठीक है, जो रेड वायर है गाइज वो इसकी इनपुट है 240 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों हुक के साथ जो है कनेक्ट कर देता हूँ, दोनों पॉइंट के साथ हमारे ट्रांसफार्मर की वायर। देखिए गाइज यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर की वायर यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है हमारे बोर्ड के साथ। अब गाइज हमारा जो ट्रांसफार्मर एंड बोर्ड है, ठीक है, इसके हम इसको हमें हमारे बॉक्स के अंदर जो है फिक्स कर देना है। यहाँ पे गाइज मैं इसको बॉक्स के अंदर फिक्स कर देता हूँ फटाफट से। जो गाइज हमारे स्पीकर एंड हमारे जो कैपेसिटर के साथ वायर कनेक्ट है उसको हमें पीछे की साइड रखना है। ठीक है, और जो ऑक्स की वायर है उसको हमें आगे की साइड रखकर जो है हमारे बॉक्स एंड ट्रांसफार्मर को यहाँ पे कस देना है। ठीक है, इस टाइप से मैं कस रहा हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे हमारा कसा जा चुका है। ठीक है, और अब गाइज हमारे जो फ्रंट के पैनल है इसके ऊपर आना है। और जो गाइज हमारे यहाँ पे वॉल्यूम, बेस एंड ट्रबल के जो पोटेंशियोमीटर है इसको गाइज हमें यहाँ पे फिक्स कर देना है इसके फ्रंट के पैनल के ऊपर। गाइज मैं इसको फटाफट से आपको फिक्स करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे मैंने इसको ग्लू गन की हेल्प से अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है तीनों पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, और इसको गाइज हमें जो हमारा फ्रंट का पैनल है और इसे भी हमें बॉक्स के साथ यहाँ पे चिपका देना है। ठीक है, इसको भी मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे चिपका देता हूँ। देखिए गाइज ये हमारा यहाँ पे चिपक चुका है। और गाइज हमें जो है तीनों पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो है हमारी नॉब्स लगा देनी है। देखिए गाइज यहाँ पे तीनों के ऊपर मैंने नॉब्स लगा दी हैं। ठीक है,
अब गाइज हमें सबसे पहले यहाँ पे हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन कर लेने हैं। गाइज यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल में हमारे कुल 6 वायर हैं, ठीक है। दो हमारी गाइज यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई की हो चुकी हैं, ठीक है। और ऐसे ही गाइज हमारे यहाँ पे 3 वायर हैं गाइज हमारी ऑडियो वाली हो चुकी हैं, और एक एंटीने की है, ठीक है। इसमें एक ग्राउंड लेफ्ट राइट है, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे एक ग्राउंड लेफ्ट राइट है, ठीक है। ग्राउंड को ग्राउंड के साथ और लेफ्ट राइट को लेफ्ट राइट के साथ कर दे लेना है। अब गाइज हमें यहाँ पे LM 7805 MOSFET चाहिए, ठीक है। हमें जो है इसकी हेल्प से जो है हम हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदल कर, ये इसकी फर्स्ट है गाइस। 12 वोल्ट की प्लस सप्लाई देनी है, यहाँ पे गाइस हमारी बीच वाली पिन के साथ माइनस कनेक्ट होगी, यहाँ पे ही गाइस हमारी 5 वोल्ट की माइनस कनेक्ट होगी बीच वाली पे, और जो थर्ड पिन है गाइस हमें वहाँ पे 5 वोल्ट प्लस मिलेगी। गाइस इसका मैं आपको डायग्राम भी दे दूंगा, ठीक है। गाइस यहाँ पे बड़े कैपेसिटर से हमारी वायर जो कनेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। ऑरेंज गाइस हमारी प्लस वाली वायर है, ठीक है। येलो हमारी माइनस वाली है। ऑरेंज को गाइस हमारी प्लस की सप्लाई को 12 वोल्ट की को उसे हमें जो है फर्स्ट पिन के साथ कनेक्ट करना है, हमारी मोसफेट की जो फर्स्ट पिन है उसके साथ कनेक्ट कर देना है। जो येलो वायर है उसको बीच वाले पिन पे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे गाइस मैं फटाफट से आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे हमारे कनेक्ट हो चुका है। अब गाइस हमारे यहाँ पे ब्लूटूथ मॉड्यूल की वायर है, ठीक है। जो ब्लैक वाली है ये हमारी माइनस है, और जो रेड है ये प्लस है, ठीक है। ब्लैक वाली को गाइस हमें बीच वाली पिन के साथ कनेक्ट कर देना है, जो गाइस हमारी यहाँ पे रेड है उसको थर्ड पिन के साथ कनेक्ट कर देना है। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा हो चुका है, ठीक है। और अब हमें गाइस इसको जो है हमारे जो गाइस एम्पलीफायर बोर्ड है उसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसकी हीट सिंक है ना यहाँ पे, उसके साथ ही हमें जो है हमारे इस मॉसफेट को कस देना है। गाइस इसको कसना ज़रूरी है, क्योंकि गाइस ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, और जो हीट होने से ये गाइस ख़राब हो सकता है, इसीलिए हमें इसको उसके साथ कनेक्ट कर देना है हमारी हीट सिंक के साथ। इसका गाइस आप डायग्राम की जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देख अब गाइस हमारे यहाँ पर मॉसफेट फिक्स हो जाने के बाद हमारे जो है यहाँ पे इंडिकेटर के कनेक्शन रह चुके हैं, और हमारी एक स्विच के, ठीक है। उसके हम बाद में करेंगे। उससे पहले गाइस हमें यहाँ पे 2 RC सॉकेट चाहिए, ठीक है। ये आपको 5 रुपये का मार्केट में एक मिल जाएगा इजीली, 2 हम आपको 10 रुपये के मिल जाएंगे। इसको गाइस हमें जो है हमारे बैक के पैनल के ऊपर जो है लगा देना है। यहाँ पे ये बैक का पैनल है, इसके ऊपर जो है मैं आपको ग्लू गन की हेल्प से इसके चिपका कर दिखा देता हूँ। गाइस इस टाइप से हमें जो है ग्लू गन की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से चिपका देना है। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा चिपक चुका है अच्छे तरीके से हमारा RC सॉकेट। गाइस हमारे एक सॉकेट के जो है 3 पिन है, ठीक है। इसके जो पीछे वाली 2 पिन है इसको हमें आपस में शॉर्ट कर देना है, ठीक है, शोल्डरिंग आयरन की हेल्प से। यहाँ पे गाइस मैंने दोनों को शॉर्ट कर दिया है, पीछे पीछे वाली पिन को। अब गाइस हमारी जो है 2 वायर है, एक RC सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, और 2 एक साथ, ठीक है। एक हमारे ऊपर के पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वायर, और एक नीचे के। ऐसी गाइस हमारे दूसरी और एक ऊपर के और एक नीचे के, ठीक है। इस टाइप से गाइस हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो चुकी है पिन, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कनेक्ट हो जाने के बाद गाइस हमें जो हमारे इंडिकेटर के कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे गाइस मैंने इसको बाहर निकाल लिया है, ठीक है। इसकी एक वायर के साथ गाइस हमें जो है 1K की रजिस्टर कनेक्ट कर देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1K की रजिस्टर है, ठीक है। इसको प्लस वाली वायर के साथ हमें कनेक्ट कर देना है, और एक वायर के साथ हमारी जो है इन वायर्स को लंबा कर देना है, और इसके ऊपर शोल्डिंग कर देनी है। यहाँ पे गाइस हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब हमारी जो है हमारे जो गाइस LED है इसे हमें जो है आगे इसके फिक्स कर देना है। फिर गाइस मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ। गाइस हमारी ये LED की वायर आ चुकी है, इसको गाइस हमें जो है हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ ही कनेक्ट करना है। ऑरेंज वायर के साथ गाइस हमारी जो ब्लू वाली वायर है वो कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो गाइस हमारी यहाँ पे येलो वायर है उसके साथ जो है हमारी वाइट वायर कनेक्ट हो जाएगी। इस टाइप से गाइस मैं कर रहा हूँ 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ ही गाइस मैंने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, जो हमारे कैपेसिटर के साथ आई हुई थी। और गाइस हमारी जो मेन लीड है इसको भी हमें अंदर की तरफ निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे मेन लीड आ चुकी है। गाइस हमारी एक कैपेसिटर हमारी जो ट्रांसफार्मर की वायर है उसके साथ एक वायर को हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है, और हमारी स्विच को गाइस हमें बाहर निकाल कर, ठीक है। इसके अंदर 2 पॉइंट है, ठीक है। एक हमारी मेन लीड का पॉइंट है बचा वायर बची है, और एक हमारी हमारी ट्रांसफार्मर की वायर बची है, ठीक है। उन दोनों को हमें दोनों स्विच के एक ऊपर के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है, और एक को नीचे के साइड के साथ, ठीक है। इसको आगे की साइड निकाल कर दोनों वायर को यहाँ पे मैं कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक को नीचे के पॉइंट के साथ कर दूंगा, और एक को ऊपर के साथ कर यहाँ पे मैं शोल्डरिंग कर दूंगा, ठीक है। शोल्डरिंग करने के बाद गाइस हमें जो है हमारे जो हमारी स्विच है इसको अंदर की साइड फिक्स कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शोल्डरिंग होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस इस टाइप से अच्छे तरीके से शोल्डरिंग कर देनी है। यहाँ पे गाइस शोल्डरिंग हो चुकी है,
ठीक है, जो हमारी एंटीने की वायर है इसको भी गाइस हमें जो है लंबा करके जो है बाहर निकाल देना है। गाइस मैं आपको किसी भी वायर के ऊपर टेप नहीं लगा कर दिखा रहा, आपको गाइस अच्छे तरीके से हर वायर के ऊपर टेप लगा देनी है। मैं भी यहाँ पे बाद में जो है टेप लगा दूंगा, ठीक है। हमारी एंटीने की वायर को भी यहाँ पे गाइस मैं होल कर लिया, यहाँ पे एक छोटा सा उसकी हेल्प से यहाँ पे इसको एंटीने की वायर को भी बाहर निकाल लूँगा। और इसका जो है गाइस बैक पैनल है इसको भी हमें यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे चिपका दूंगा, ठीक है। आपको यहाँ पे गाइस मैं आपको चिपका कर दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से हमारे बैक पैनल को भी, ठीक है। इस टाइप से देखिए गाइस यहाँ पे हमारा बैक पैनल भी चिपक चुका है। ऐसे ही गाइस हमें ऊपर से भी हमारी ग्लू गन की हेल्प से उसे बंद कर देना है। यहाँ पे गाइस मैं इसको फटाफट से बंद कर देता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर बनकर तैयार हो चुका है। गाइस मैंने इसको ऊपर से भी अच्छे से पैक कर दिया। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। गाइस मैंने इसके साथ स्पीकर भी कनेक्ट कर दिया है। देखिए गाइस जैसे ही मैं ऑन करता हूँ हमारे पावर इंडिकेटर और हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल जो है ऑन हो चुका है। अब गाइस यहाँ पे मैं एक फ़ोन आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब जो है गाइस मैं आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ। प्ले करता हूँ से गाइस मैं अब बेस इंक्रीज करता हूं। गाइस कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे गाइस इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।